इनके हवाले करेंगे क्योंकि जब इनकी बारी आती है तो थोड़े रह जाते हैं। तो इंशाल्लाह यह है कि उसके बाद बड़ी दूर से आए हैं होस्टों वालों का हम पे बहुत एहसान है कि बेचारे जब भी हम बुलाते हैं वो जरूर आते हैं और हमारी खुशियों में शरीक होते हैं। और खुसूसी तौर पे जो है हम आगा साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इनको अब रिक्वेस्ट नाम की तो कोई चीज नहीं है, सीधा हुक्म होता है सरकार का के पास आ जाओ। और इसके बाद ये पहुंचते हैं बेचारे और फिर तीन एक बजे तक यहाँ होते हैं और तीन बजे तक हमारे पंजाबी में अड्डे चढ़ जाते हैं बेचारे। तो ये है कि बड़ी मेहरबानी जनाब। अच्छा जी, आप दुरूद भेजिए सब मिलकर। हाय बेचारे मुसलमान किस कदर नादान है, हाल के दुश्मन नबी के बाल पे कुर्बान है। हाय बेचारे मुसलमान किस कदर नादान है, हाल के दुश्मन नबी के बाल पे कुर्बान है। कितने सादे कितने सीधे हाफ़िज़े कुरान है, कितने सादे कितने सीधे हाफ़िज़े कुरान है। सारे नुक्ते रख लिए एक नुक्ते से ये इब्राहिम इस्माइल की सुन्नत के दीवाने, न जाने क्यों सके शबीर तुझसे ही झगड़ते हैं। और तेरी तौसीफ में ज़िबे अजीम आया मगर फिर भी ये बकरे चूमने वाले तेरे घोड़े से डरते मेरे आंसू शाह मजलूम की गमखारी में दो कदम आ गए हैं सजदों से बेखुदारी में। मेरे आंसू शाह मजलूम की गमखारी में दो कदम आ गए हैं सजदों से बेखुदारी में। इस नगीने की सुलेमान पूछो कीमत, तख्त बिक जाएगा सू की खरीदारी में। मौला अब्बास के लिए उनका भी आज उनका ही तो आज बेसिकली है सब कुछ। और उनके लिए आप सब मिलकर बवाज़े अपना दुरूद भेजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। शाह की एक जमीन है जिसपे वहाँ कितनी मोहम्मद से वफात हुई है तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज क्या लोह कलम तेरे हैं। अर्श से आए सदा ए मेरे प्यारे अब्बास, ये जहाँ चीज है क्या से हम तेरे हैं। देख अल्लाह ने वादे को नभाया कैसा, मस्जिदे इतनी नहीं जितने अलम तेरे हैं। हमेशा जो नए घर होते हैं हज़म इन फज़ल रबी लिखा होता है तो उस ज़मीन में है। कोई कहता है कि ये फैज़े जलील लिखा है,
कोई कहता है कि वली इब्ने वली लिखा है, मैंने जब वारिस देखा तो परे फुतरस पर हाजा मिन फजल हुसैन इब्ने अली लिखा है। ये रुबाई मैं पढ़ने लगा हूँ, मेरी बहुत पसंदीदा है। अर्श तक फर्श तेरे राज नजर आते हैं, मौला तेरे कदमों में बड़े बड़े ताज नजर आते हैं, मौला तेरे कदमों में बड़े ताज नजर आते हैं, होके बेदस्त सखी ऐसा जबरदस्त है तू, हाथ वाले भी तेरे मोहताज नजर आते हैं। मैं एक एक कसीदा पढ़ूंगा जिसमें दोनों हस्तियों का जिक्र हो जाएगा। जो करबला गए हैं उन्होंने तो खुद मुशाहदा किया, अल्लाह उनके कबूल करे जा रहे, तो जो जाने के मुतमनी है मौला उनको इज्जत दे और वो जल्दी जल्दी जाए। तो मैं पंजाबी में पढ़ूंगा और आसान होगी, जिनको नहीं समझ आएगी उनसे माजरत ख्वाह, लेकिन इंशाल्लाह जरूर भेजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद। अर्शाद है, यूं तो खुदा से मांगने जन्नत गया था मैं, यूं तो खुदा से मांगने जन्नत गया था मैं, करबला को देख कर नियत करबला वसदे पे दो बिरा करबला करबला, एक हयादा खुदा एक वफादा खुदा, एक वफादा खुदा, एक नाज मोहम्मद दा एक जहरा दी दुआ, करबला एक दाहत नप के है दर टुरे दारिया, एक नुचा के मोहम्मद खड़े दारिया। तो नहीं देखा कि कभी मौला ने अपने बच्चों को भी उठाया हो, मतलब बच्चे सारे ने किया मां रसूल मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी ने क्या किया। तो एक दाहत नप के है दर टुरे दारिया, एक नुचा के मोहम्मद खड़े दारिया, हाँ खड़े दारिया, एक दे नाज खुदा वेखे ने एक दे आलिया, करबला करबला बसद पे दो बेरा, एक बेरा दिन खा लिख दी तो खीर है, एक बरा पूरी है दर्द तस्वीर है, एक बेरा दिन खा लिख दी तो खीर है, एक बरा पूरी है दर्द तस्वीर है, आए तस्वीर है, एक दा पाक अलम बने आए एक दा जुलजना, करबला एक नबी आदम संत सुल्तान है, एक दी चुप हू बहू वांग कुरान है,
نبی آدھا مہا سنت سلطان ہے ایک دی چپ ہو بہو وانگ قرآن ہے وانگ قرآن ہے اکل اک ہے شکل چ پاک محمد اک ہے مرتضی کربلا کربلا اسد پہ دو بیرا درود اللہم صلی اللہ میں یہ میری خاص پسند ہے اور میں یہ 50 سال پرانا کلام ہے جو پڑھنے مجھے ایک ہی شعر اس کا ملا 50 سال سے زیادہ کا ہے یا سادی بولیوں میں آئی میری سین بطول دی چوکٹ دے دامن پھیلا کے ہر ویلے کائنات نو جھکنا پیندا اے میری سین بطول دی چوکھٹ تے دامن پھیلا کے ہر ویلے کائنات نو جھکنا پیندا اے جس گھر وچ پاک بطول ہووے جس گھر وچ پاک بطول ہووے پاویں رب دا خاص رسول ہووے اس در تے رکنا پیندا اے جس گھر وچ سین بطول ہووے پاویں رب دا خاص رسول ہووے در پاک تے رکنا پیندا اے اس سین دی کیا میں تعریف کراں کنا لفظاں وچ تحریر کراں نبی صاحب اس سین دی کیا میں تعریف کراں کنا لفظاں وچ تحریر کراں حسنین دی امڑی آ جائے پیغمبر نو اس جا تو اٹھ